फकर जमान वर्सेस बांग्लादेश। फकर जमान वापस आए बहुत ही भरपूर तरीके से और पुराने वाली जो है ना उनके अंदर झलकियां नजर आई, लेकिन अभी इतना ज्यादा हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी जो मेन मैचेस हैं हमारे दो वो मौजूद हैं, उनको जीतना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा, और दूसरे दोनों मैचेस से कंपेयर किया जाए तो ये मैच उसके मुकाबले में कुछ ईजी था। गोया कि हम लोग अफगानिस्तान से हारे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ईजी नहीं लेना चाहिए। जब तक पाकिस्तान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को नहीं हरा देता तब तक आपका कोई चांस नहीं है सेमीफाइनल में जाने का। और लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अच्छी चीजों की जो पाकिस्तान ने इम्प्रूवमेंट की है, और बांग्लादेश सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो लिटन दास जिनका ओपन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लिटन दास क्या करना चाहते हैं ओपन में आके। बिल्कुल टीम का जो है वो मोराल जो है ना वो डाउन। लिटन दास बहुत अच्छा प्लेयर है नो डाउट, लेकिन वो वर्ल्ड कप में जिस तरीके से खेल रहा है, जिस टेक्निक के साथ खेल रहा है, वो बिल्कुल टीम का मोराल डाउन कर रहा है। और बहुत ही ज्यादा स्लो खेल रहा है, अटैकिंग क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेल रहा है। उसके बाद जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा है। लास्ट में आके या तो साकिब परफॉर्म कर रहा है, या मेहदी मिराज परफॉर्म कर रहा है, या फिर कंटिन्यूसली जो देखा जा रहा है वो मोहम्मद उल्ला नीचे से जो है वो प्रमोट होते 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 आज ऊपर तक वापिस अपने नंबर तक आने वाले ऑलमोस्ट। उसको बिल्कुल नीचे रखा था उसने, 100 किए फिर ऊपर किया, ऐसा ऐसा 50 किए करते करते आज फिर उसने एक अच्छी बैटिंग खेली और आज फिर उसने 56 किए। शाकिब ने भी अच्छा खेला, लेकिन उसके साथ किसी का और बाकी, लेकिन बाकी जो है उनके जो ओपनिंग है और मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन है उन्होंने जो है वो इतना परफॉर्म नहीं किया, जिससे 204 पे जो है बांग्लादेश पूरी आउट हो। पूरे ओवर भी नहीं खेले, 45.1 जो है वो ओवर्स खेल के पूरी बांग्लादेश टीम आउट हो गई, जिसमें शाहीन अफरीदी ने बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग की, 3 आउट किए। और उसी के साथ वसीम जूनियर को बहुत ज्यादा जो है वो अंडर रेटेड बॉलर कहा जा रहा था। मतलब वसीम जूनियर की बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही थी, शैम्पू हुआ है और हमने भी बोला था उसके बारे में जब वो जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा था। लेकिन उसने आके अपनी पहले वाली बॉलिंग स्टार्ट की, जो वो विकेट टू विकेट बॉल करता था, यॉर्कर्स कर रहा है बहुत अच्छी। ज्यादा जो यॉर्कर्स यहाँ पे बहुत कामयाब दिखाई दे रही है यहाँ के इंडिया के ग्राउंड्स में और जगह पे बॉल कर रहा है, जिसकी वजह से उसको विकेट्स मिल रही हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आप अगर वसीम जूनियर को देखें और बाबर आजम को देखें, जो कि ये बात अभी नहीं करनी चाहिए और ना ये बात ग्राउंड में दिखनी चाहिए, वसीम जूनियर और बाबर आजम में मुझे कुछ जो है ना वो सही दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जब फर्स्ट विकेट आपने लिए, सेलिब्रेशन हो रही थी, तो बाबर आजम आता है उसे हाथ मारने की कोशिश करता है, लेकिन वसीम जूनियर जो है उसे इग्नोर करके वो निकल जाता है। अगर किसी ने वो विजुअल नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा। और उसके बाद भी ये चीज़ मैंने नोट करी कि उन दोनों के दरमियान, उससे पहले मैच में भी, साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी, मैंने दोनों के दरमियान देखा था कि कोई जो है कोई ना कोई बात तो जरूर है। बैटिंग की बात करेंगे, फखर जमान ने बहुत अच्छा स्कोर किया, अनफॉर्चुनेटली अपनी सेंचुरी पूरी नहीं की। अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छे शॉट्स हैं उसके पास, सारा कुछ है, लेकिन 50 को जो है वो 100 में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान टीम के लिए भी और उसके खुद के लिए भी। तो बेतुका शॉट, मतलब विकेट थ्रो करके आते हैं आप लोग जो है इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद विकेट थ्रो करके आते हैं, इसको कहते हैं विकेट थ्रो करना, अपनी गलती से आउट होकर आते हो। यार विकेट जब आप खेल रहे हो पूरा लंबा मैच को लेके जाओ, एटलीस्ट बड़ा प्लेयर वही होता है जो 50 को जो है 100 में कन्वर्ट करता है और मैच को फिनिश करके आता है। बाबर आजम आज बिल्कुल नहीं चले, बहुत तेज खेलने की कोशिश में बॉल उन्होंने उठाई और जब भी वो बॉल उठाते हैं तकरीबन आउट ही होते हैं। नीचे नीचे जब तक वो खेलते हैं बचे रहते हैं, जहां वो हवा में बॉल को फेंकना शुरू करते हैं वहां पर वो ग्राउंड से बाहर हो जाते हैं। बाकी नीचे रिजवान और इफ्तिखार ने आके थोड़ा सा मैच को संभाल और मैच को फिनिश कर दिया। 33 पॉइंट समथिंग ओवर्स में जो है वो पूरा स्कोर हम लोगों ने कर लिया था और पाकिस्तान मैच जीत लिया था 17 ओवर्स पहले, और 7 विकेट से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। अच्छा हुआ पहले लेके, पहले जीते, ज्यादा लंबा नहीं लेके गए मैच को, रन रेट पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा अगर हम लोग आगे वाले इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे वाले मैचेस भी दोनों जीत जाते हैं तो। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन लेकिन इस टीम के लिए तो हो गई हो गई, लेकिन हमें अब ये देखना है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्या करता है, असल मैच वो है देखने वाले। तो उम्मीद करते हैं इस मैच में भी, फखर जमान से भी उम्मीदें हैं अब सबको, क्योंकि वो फॉर्म में वापस आए तो अब उनका बनता है कि ये 2 मैचेस अच्छे निकाल के दें पाकिस्तान को। बाकी प्लेयर से भी बहुत उम्मीद है, लेट्स सी के क्या होता है। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।